हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने जुड़ चुका हूं और प्रेजेंट कर रहा हूं अब की बार रेलवे पार मैथ्स क्रैश कोर्स फॉर ग्रुप डी। और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क टॉपिक लेने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि लगातार इसके 3 से 4 क्वेश्चन आपके एएलपी में पूछे गए थे, तो ग्रुप डी में भी इसका समान वेटेज रहने की पूरी पूरी संभावना है और इस चैप्टर को ऐसे बताया जाएगा कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर है? तो मुस्कुराते हुए पढ़ना है और आप सबका फिर से स्वागत करूंगा इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो गाइज, सब लोग जुड़ जाइए और मुस्कुराहट शुरू से लेके और एंड तक बरकरार रहनी चाहिए और आप सबका साथ इस लेक्चर को और ऊपर तक ले जाना चाहिए, ठीक है ना। डाउनलोड कर सकते हैं इसकी पीडीएफ आप, कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई स्टडी ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से करेंगे? वाईफाई स्टडी ऐप से। और क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि टारगेट किया था, ठीक है ना। तो तैयार है सब? तो गाइज, आर यू रेडी? प्लीज मुझे बताएं क्या आप तैयार हैं। चलिएगा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइज, है ना। हाँ, मैन वुमेन चिल्ड्रन सब वाले करवाएंगे, लेकिन चीजें समझना जरूरी है। पहले चीजें समझेंगे, फिर उन पे इंप्लीमेंट करेंगे, फिर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप डी। क्लियर है ना? चलिएगा, सब लोग जुड़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। अब मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहले कंसेप्ट के साथ। तो सबसे पहले आपको जो कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं उसका जवाब जरूर देते रहना मेरे प्यारे भाइयों। इसमें 3 चीज होती है। ये हमारे पास कार्य होना चाहिए, वर्क होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास समय होना चाहिए, मतलब डेज होने चाहिए, कितने दिन में करेगा। हमारे पास क्या होना चाहिए? इफिशियंसी होनी चाहिए। इफिशियंसी मतलब क्या होती है? कार्य क्षमता। मतलब अब आपको एक एक चीज को समझाना चाहता हूं जिससे कम समय में ज्यादा आउटपुट हम निकाल सकें, वो चीजें समझते जाना। मैंने आपसे कहा है कि मैं एक काम है मेरा प्यारे भाइयों, मैंने आपसे कहा कि मेरे दोस्तों मुझे 20 काम करने हैं, मुझे 20 काम करने हैं, कोई भी 20 काम। मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, मुझे 20 कॉपियां बनानी है, मुझे 20 कप चाय बनानी है, मुझे 20 लोगों का खाना बनाना है। काम कुछ भी हो सकता है, मुझे 20 काम करने हैं। तो मैंने कहा मेरे प्यारे भाई तुझे 5 दिन लग जाएंगे। मैंने तुमसे क्या कहा? मेरे प्यारे भाई तुझे 5 दिन लग जाएंगे। तो एक भाई और आया, उसने कहा कि तेरी हिम्मत बताऊं कितनी है, तू बस एक दिन में 4 काम कर सकता है। यही बोलूंगा ना, जल्दी से मुझे बताएं। मैं आपसे यह बोल दूं कि जो मेरी हिम्मत है, जो मेरी इफिशियंसी है, जो मेरी कार्य करने की क्षमता है, वो क्या है? कार्य क्षमता क्या होती है? कि एक दिन में कोई इंसान कितना काम कर रहा है, यही तो कार्य क्षमता है। हाँ गया ना, जल्दी से बताइए। तो मैं ये कह सकता हूं ना कि जो ये मेरा 20 काम है, अगर मैं 5 दिन ले रहा हूं तो मुझे भैया 4 दिन में 1 काम करना पड़ेगा। मतलब है ना, 4 काम एक दिन में, है ना। कार्य क्षमता क्या होती है? 4 काम पर डे। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूं कि जो आप पर डे काम करते हैं वही आपकी इफिशियंसी होगी। क्या गलत कह रहा हूं क्या? जो आप पर डे काम करते हैं, मतलब जो एक दिन में आप काम करेंगे वही आपकी इफिशियंसी होगी। सिंपल सी बात है, बस आपका टाइम एंड वर्क खत्म हो गया। सच बता रहा हूं, लिटरली बता रहा हूं। देखो, अब चीजें समझते जाना। अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है, कि M1 D1, मतलब कोई भी आदमी है उसकी कार्य क्षमता ये है, इफिशियंसी ये है, M1 D1 upon W1, इतना काम कर रहा है। बराबर कर सकते हो आप M2 D2 और W2 के। अब ये क्या फॉर्मूला है सर? ये कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, ये वही है, ये वही है। क्योंकि मैं जानता हूं अच्छे से, मैं अच्छे से ये चीज जानता हूं कि जो मेरा कार्य होगा, जो मेरा काम होगा, जो मेरा वर्क होगा, वो किसके बराबर होगा? उसमें लिया गया समय, उसमें लिया गया समय, और मल्टीप्लाई करूंगा क्या, मल्टीप्लाई क्या करूंगा? इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करूंगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करूंगा। भाई 5 × 4 करोगे तभी तो आपका काम आएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई है? यहां तक बात क्लियर है ना, चीजें समझ में आ रही हैं। अब ये क्या काम आता है सर? ये उस काम आता है जब दो चीजों को कंपैरिजन कराना हो, दो चीजों को कंपैरिजन कराना हो। बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान से देख लो। M1 D1 upon W1 = M2 D2 upon W2। अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि 20 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं,
20 आदमी एक काम को 40 दिन में करते हैं, मैंने कोई काम बोल दिया आपसे, अपनी मर्जी से आप काम मान लीजिए कि कोई भी काम हो, मैंने काम मान लिया अपना नाम, ये भाई साहिल लिखते हैं, मैंने कुछ भी मान लिया, या फिर आप कह दो कि भाई साहब अपने स्टूडेंट्स, ठीक है, कुछ भी काम हो सकता है, पहले ही बोला है काम हमेशा आपको मानना ही पड़ेगा, तभी तो हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि जो रेशो होता है वो बराबर हो जाएगा। मैंने प्रश्न पूछा है कि 20 आदमी 40 दिन में किसी काम को करते हैं, ठीक है, तो 25 आदमी कितने दिन में उस काम को करेंगे? चलिए मेरे प्यारे भाइयों आंसर दे दो, जल्दी से मुझे आंसर दे दो कि 20 आदमी किसी काम को 40 दिन में करते हैं तो 25 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? कम ऑन, जल्दी से आंसर दो, मुस्कुराते हुए पढ़ना है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, टेंशन देना है, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बफर नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है, रिफ्रेश कर लें अपने पेजेस को, तो आपका आंसर आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, तो आप क्या आंसर दे रहे हो? जय बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है 20 आदमी है, तो 20 आदमी की कार्य क्षमता है ये क्या, 20 M, हमेशा यहां पे इफिशियंसी आएगी, कान खोल के सुन लेना, 20 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40 दिन में, कोई काम क्या है, W1 है, आपस में कट जाएगा क्योंकि वही काम है, सेम काम को कर रहे हैं ना, तभी तो मैं बराबर कर सकता हूं, वरना मुझे W1 दे रखा होता तो मैं W1 लिखता। क्लियर हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों? मैंने 25 से काट दिया, 20, 4 बार 4 चौक 16 दूनी 32, तो मेरा 32 दिन में काम हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, अब इसमें क्या ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट आपके सामने रखूंगा, मजा आएगा। मैंने आपसे बोला 25 आदमी, मैन को मैंने आदमी माना है, ठीक है ना, एम क्या है, आदमी है, 25 आदमी किसी काम को मान लेते हैं 15 दिन में करते हैं, 25 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है ना, ये चीज सुन लेना ध्यान से मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मैंने बोल दिया 50 वुमेन किसी काम को कितने दिन में करेंगी, यदि यदि एक मैन बराबर 2 वुमेन है तो। ये एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है, मतलब सीधी सी बात है कि जो आदमी की कार्य क्षमता है, तो मैंने यहां पे क्या निकाला, इफिशियंसी का रेशियो मुझे पता लगाना था, जो मैंने क्या पता लगा दिया। अब मुझे आंसर दीजिए, एम क्या है, पुरुष है, मतलब मेल है, और डब्ल्यू क्या है, वुमेन है, महिला है, ठीक है। तो मैंने आपसे बस यही प्रश्न पूछा है कि 25 आदमी 15 दिन में किसी काम को करते हैं तो 50 महिलाएं वही काम कितने दिन में करेंगी, यदि एक आदमी बराबर 2 औरत हैं, जल्दी से मुझे बता दो। तो आपको सिर्फ पता क्या करना होता है, वही चीज दिमाग में रखिए, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2, है ना। अब दिमाग नहीं लगाना है, मैंने M1 M2 लिखा है, वो इसलिए ही लिखा है कि अगर कोई दूसरा आदमी, मतलब वुमेन आ गई ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन में बोली थी लाइन कि वही काम, तो काम मतलब दोनों सेम है, तो मैं ये डायरेक्ट लगा सकता हूं M1 D1 अपॉन M2 D2 बराबर M2 D2। तो M1 कितना है, 25 आदमी, मतलब मैन, भाई मैन दे रखा था तो मैंने लिख दिया, कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, बराबर अच्छा M2 क्या है, 50 वुमेन कितने दिन में करेंगी, ये मुझे निकालना है। क्या मैं इसको डायरेक्ट काट सकता हूं? ना, पाप हो जाएगा, पाप नहीं करते हैं गणित में, हमेशा समान क्वांटिटी को आपस में काट सकते हैं। वुमेन और को मैन से काट सकता हूं क्या? कभी नहीं काट सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, इस आदमी को औरत में बदल दो या फिर औरत को आदमी में बदल दो, दोनों में सेम करना है बस। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैन एक एम बराबर कितना दे रखा है, 2 वुमेन, तो मैं यहां 2 वुमेन लिखूंगा, तो मेरा W से W कट जाएगा, 50 से ये मेरा 50 कट जाएगा, तो मेरा 15 दिन आंसर आ जाएगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा 15 आंसर आ गया। या फिर मैं क्या कर सकता था, या फिर मैं ये भी कर सकता था, देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सारी तोड़ मरोड़ के सारी चीजें वही आएंगी, 25 मैन किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, अब मैं कहता कि 50 वीमेन है कितने दिन में करेंगी, सर आपने मैन को ही क्यों रखा 2W, मैंने इसलिए रखा कि डायरेक्ट वैल्यू मेरे पास आ जाती, क्योंकि मुझे भिन्न से नफरत है ना, और मैं ये कह दूं कि ये वीमेन है ना, वीमेन
अब इसमें विमेन को मैन की जगह रख दो, हमें तो बराबर करके काटना है, तो मैं ये कह दूं कि एक विमेन बराबर m बाई टू मैन हो जाएगा, तो मैं विमेन की जगह क्या कर दूंगा, m बटे दो रख दूंगा। बस अब m से m कट गया और ये 25 बार, 25 से 25 कट जाएगा तो भी 15 आएगा। तो कुल मिला के कान यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, आंसर समान आता है। क्लियर है? चलिएगा अब चलते हैं, कंसेप्ट समझ में आ रहा है हाँ या ना, जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि प्रभाव वही डालेगा, क्वेश्चन आप चुटकियों में उड़ा दोगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन यहां से बाहर चला जाए टाइम एंड वर्क का तो कह देना, इतनी प्रैक्टिस करेंगे इतना जम के पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलिएगा फटाफट से कंसेप्ट और करते हैं, एक कंसेप्ट और लास्ट। आपसे बोला जाता है एक आदमी ए एक आदमी बी, ठीक है, किसी काम को 12 दिन में करते हैं किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि यहां पे तो आप लोग लिखोगे दिन, अगर मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरा फॉर्मेट सॉल्व करवाने का यही रहेगा, यहां पे मैं हमेशा लिखूंगा दिन, और इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम मेरा क्या होगा, टोटल वर्क होगा, हमेशा याद रखना। अब मेरे प्यारे भाइयों, कुल काम तो मैंने हमेशा आपसे कहा है काम हमें दिया नहीं होगा, हमें दिनों से ही काम निकालना है। तो कैसे निकालोगे, एक टोटल काम वो होगा, सिंपल सी लैंग्वेज, मैं इसको एलसीएम नहीं कहूंगा, लघुत्तम समावर्तक नहीं कहूंगा, बस मैं आपसे यही कहूंगा कि एक ऐसा नंबर ले लो, एक ऐसा नंबर ले लो जो इससे भी विभाजित हो जाए और इससे भी विभाजित हो जाए, है ना, ऐसा नंबर ले लो, वही आपका एलसीएम होता है सच में तो। लेकिन मैं आपको इस लैंग्वेज में बताना चाहूंगा कि कोई भी एक ऐसा नंबर ले लो जो इससे भी हो जाए और इससे भी हो जाए। आपने कह दिया सर 60 ले लेता हूं, तो मैंने कहा कि ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे ये मुझे बता दो, ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो आपका दिमाग में बस एक ही चीज सेट करना चाहता हूं कि देखो मैंने आपको बोल दिया कि जो ये होता है इन दोनों का एलसीएम, ये आपका काम होता है, ये आपका काम होता है ना, और अभी जस्ट हमने पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि मेरे पास 20 काम है, मेरे पास 20 काम है और मैं एक, मतलब मैं अपना काम 5 दिन में कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरे पास 20 काम है, मैं अपना काम मतलब 5 दिन में खत्म कर रहा हूं, तो मैं एक दिन में कितना काम कर रहा हूं, वही मेरी इफिशियंसी है, तो एक दिन में मैं 4 काम करूंगा। तो बस वही बात है, इस दिन का टोटल काम में जब भाग दोगे तो जो आपका आएगा वो आपकी क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी, आपकी कार्य क्षमता आ जाएगी, आपकी हिम्मत आ जाएगी कि आप कितने दिन में किसी भी काम को कर रहे हैं। तो मैं एक ही निकालूंगा तो 12 60 में 12 का भाग दूंगा, 5 काम एक दिन में कर रहा है मेरा भाई ए, ठीक है, और मैं ये कह दूं बी का क्या रहेगा, 15 का भाग दूंगा 60 में तो मेरा 4 काम कर रहा है बी, ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब बात देखो कितनी अच्छी हो गई है, अब दोनों की हिम्मत आपके पास है, मतलब मैं ये कह दूं कि दोनों मिलकर 9 काम कर रहे हैं, कितने दिन में, एक दिन में 9 काम कर रहे हैं, बात क्लियर हो गई। मुझे 60 काम करना है, कितने दिन लगेंगे, अरे 60 में 9 का भाग दे दो आपका काम आ जाएगा, कितने दिन लगेंगे, तो आप देख सकते हो 30, ये हो जाएगा आपका 3 से काटा 20 बार, 20 बटे 3, इसका आप दे सकते हो आंसर, कोई इशू नहीं है, मजा आया, क्लियर हो गए सारे कंसेप्ट, क्वेश्चन पे चलें, उड़ा दोगे धुआं की तरह, जल्दी से मुझे बताओ गाइस, अब मैं कमेंट देख रहा हूं आपके, मैंने अपना काम कर दिया है, मैंने अपना फॉर्मेट बता दिया है, अब धुआं आपको उड़ाना है क्वेश्चंस का, और एक एक लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब कैसे, धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि एकदम इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया हवाई खराब हो गई, कंसेप्ट ही बिगड़ गया, प्लेन ही मतलब उड़ने से पहले ही लैंड हो गया। क्लियर है? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां पे हम रखेंगे दिन, इन दोनों का एक ऐसा नंबर एलसीएम की टर्म में आएगा, और यहां पे जो इसका भाग देने पर आएगी वो कार्य क्षमता आएगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? हाँ, जो लेट है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम अभी यही हैं, 11 बजे क्लास होती है, धुआं उड़ा देंगे और मजा आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस यस सर, उड़ा देंगे क्वेश्चन को ही, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, फटाफट आंसर आना चाहिए, बिना पेन चलाए कोशिश करना, सिखा देंगे। ठीक है, चलिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ये लीजिए और पहना दीजिए इस क्वेश्चन को जामा, समय नहीं दूंगा क्योंकि समय से पहले ही आंसर आएगा, कम ऑन गाइस, एक एक करके उड़ाइए, तुरंत आंसर देना है, समय नहीं लगाना है, कंसेप्ट फॉलो करो, आंसर आ जाएगा, चलिए कम ऑन।
जल्दी से यार, मतलब बहुत मजा आने वाला है यार, है ना, एनर्जी का फल निकलना चाहिए जी, ठीक है ना, कम ऑन। क्या कह रहा है कि एक किसी काम को 40-60 दिन में करता है, अच्छा कोई एक ऐसा अमाउंट ले लो जो टोटल वर्क की तरह काम कर जाए। हाँ कम ऑन गाइस, चलिए मैं बताता हूं फटाफट से ज्यादा क्वेश्चन करना है हमें। ए 40 दिन में काम करता है, बी 60 दिन में काम करता है, ए और बी। नए बच्चों के लिए बता रहा हूं, 40 दिन 60 दिन, मैंने कहा था ना कि मैं दिन यहां पे लिखूंगा, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम वो हो जाएगा क्या, देख लीजिए, आप कह सकते हैं कि 120 ले लो काम, 120 ले लिया मैंने, तो ए की इफिशियंसी क्या आ गई, 40 का 120 में भाग दोगे, 3 हिम्मत है, और इसकी कितनी हिम्मत है, 2 हिम्मत है, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, दोनों मिलकर देखो ए और बी की इफिशियंसी को मैं कार्य क्षमता को अगर जोड़ूंगा तो 3 और 2 कितना हो रहा है, 5, 5 का 120 में भाग दे दो, 24 दिन में आपका काम निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बहुत ही सिंपल चीज से आप कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है, 22,000 लोग देख रहे हैं, अगर उम्मीद है तो आस है, आस है तो बस मजे आएंगे, मुस्कुराते रहिए, अगर अच्छा लग रहा है लाइक करते रहिए, जिससे पता रहे कि हाँ मजा आ रहा है, क्लियर है, कम ऑन। इस क्वेश्चन को पहना दीजिए जामा और दिखा दीजिए कि 3 आ जाए तो क्या, फटाफट से गाइस, टाइम नहीं लगना चाहिए किसी भी चीज में भी, कम ऑन, 24 दिन मजा आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, टाइमर दे देता हूं जिससे कि थोड़ा इंटरेक्शन बना रहे आपके और हमारे बीच में, और मैं दे देता हूं इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा, हालांकि टाइम इसमें नहीं दूंगा, अगले क्वेश्चन की तरफ दूंगा, और इसको लगा देते हैं साइड में, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मोटिवेशन भी जल्द देने वाला हूं, डोंट वरी अबाउट इट, मोटिवेशन भी दूंगा, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना है अपना। ए किसी काम को 6 दिन में करता है, अच्छा सर ने बोला था कि दिन यहां रख दो, तो ए किसी काम को 6, बी किसी काम को 8, सी किसी काम को 12, अच्छा ऐसा कोई नंबर लेना है जो तीनों से विभाजित हो जाए, यार 6, 8, 12 से तो एक संख्या है जो विभाजित हो सकती है, 48, यही मेरा टोटल काम हो गया। आपसे बोला तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो मैंने इफिशियंसी निकाल ली, 6 का भाग दिया 8, 8 का भाग दिया 6, 12 का भाग दिया 4, 24 भी मान सकते थे, 24 भी मान सकते थे, लेकिन मैंने 48 क्यों माना है, कि मैंने वही कहा है कि आप मन में जो आए ना वो नंबर लो, लेकिन तीनों से विभाजित होना चाहिए, आंसर हमेशा सेम रहेगा, ठीक है ना, देख लो 48, तो आपको तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम 48 है, तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 8 और 6 14 और 4 18, तो मैं यहां देख सकता हूं 24/9 मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर आ जाएगा 24/9, क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाइयों सबको, ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तैयार हैं आप धुआं उड़ाने के लिए, चलिएगा अगला प्रश्न आपके सामने है, एक एक करके लेवल बढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए, जो पेपर मैंने क्या बोला इससे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये आपके लिए समय देता हूं मैं 15 सेकंड, और 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को जामा पहनाना है, यही मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से, कम ऑन गाइस, लेट्स डू इट। टाइम सब हो चुका है और जल्दी से आंसर आने चाहिए सबके, उम्मीद यही करता हूं मैं, ठीक है, एक एक चीज को पढ़ते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन लो समझाऊंगा, जो हल्का क्वेश्चन होगा उसको आप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। एक किसी काम को 20 दिन में करता है, ए तथा बी मिलकर इस काम को 12 दिन में करते हैं, अच्छा तो कर सकते हैं, तो अकेला बी कितने दिन में करेगा, मैंने क्या कहा था कि जब आपको बी का काम निकालना हो ना तो बी की इफिशियंसी निकाल लो, तो मैंने कुछ नहीं करना, मुझे पता लग गया कि ए कितने दिन में करता है 20 दिन में, और दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं मेरे प्यारे भाई 12 दिन में, इनका क्या हो जाएगा इफिशियंसी, मतलब जो अपना टोटल वर्क होगा वो कितना मान लिया मैंने 60 मान लिया, क्योंकि 60 एक ऐसा काम है जो दोनों में विभाजित हो रहा है, तो यहां से मैंने देखा वो ए का कितनी इफिशियंसी आ रही है 3 और दोनों की कितनी आ रही है 5, मेरे प्यारे भाइयों आपको बी अकेला कितने दिन में करेगा ये निकालना है, तो मेरे को ये बता दो, काम मेरे पास पड़ा हुआ है 60, मुझे बस इतना पता लग जाए कि बी की हिम्मत कितनी है, मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, तो मैं बता दूंगा कि 60 काम कितने दिन में करेगा, है ना, तो मैं ये कह दूं ए तो ए की तो हिम्मत 3 है और दोनों की हिम्मत 5 है, तो मुझे पता लग गया कि बी की हिम्मत कितनी हो जाएगी 2, बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 2, बी की इफिशियंसी पता लग गई है 2, इसका मतलब है कि बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा 30 दिन में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा।
तो 23 के लाइव देख रहे हैं, मजा आएगा गाइज, और एंजॉय करते रहिए अपने साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि लगातार 11 बजे आपके सामने क्लास होगी मैथ्स की और धुआंधार, 10 बजे रीजनिंग, 11 बजे मैथ्स और 12 बजे जनरल साइंस, तो लगातार जुड़े रहना है आपको जिससे कि ग्रुप डी निकल जाए, और उतनी मेहनत आपको करनी है जितना कि मैंने आपसे कहा था कि कंटिन्यू रहना है। क्लियर है? चलिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं क्वेश्चंस, ये सामने मैंने क्वेश्चन रख दिया है और इसका समय शुरू कर रहा हूं आपके लिए अब। हाँ यार, लाइक कम है, लाइक करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे पता लगता है कि कितने अवेयर हैं हम लोग, है ना, 23,000 लोगों के लाइक होने चाहिए तभी मजा है, 23,621 देख रहे हैं, कम ऑन गाइस, जो लेट है वो टाइम पे आया करे, उससे यही उम्मीद कर सकता हूं मैं, ठीक है ना, टाइम पे आए जिससे कि पता लगे कि हाँ मजा आ रहा है। चलिए, तो आपका टाइम हो चुका है अप, और इस क्वेश्चन का आंसर मेरे सामने, हाँ किनक कुमार, लेवल हाई करने की बात तो ऐसी है यार कि ग्रुप डी का पेपर है, मैं चाहता हूं कि वही क्वेश्चन कराए जाए आपके परीक्षा में आए, ठीक है ना, तो ए किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, यदि ए बी सी तीनों किसी काम को 4 दिन में कर सकते हो तो सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो कम ऑन गाइस आंसर दे दीजिए, एक एक लेवल को बढ़ा के लाया हूं आपके लिए, धीरे धीरे सब कुछ बढ़ रहा है, ध्यान रखना, ठीक है, पहले एक था, फिर दो थे, फिर तीन हो गए, अब ये 4 हो गए, चलेगा, तो ए 8, बी 12, तीनों मिलकर ए बी सी कितने दिन में करेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर 4, ठीक है, चलिए, तो ये बात इतनी सी है और शायद आपको समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत आसान काम है, वही कंसेप्ट को फॉलो करना है, मैंने क्या कहा, कोई एक ऐसा काम ले लो जो तीनों से विभाजित हो जाए, 8, 12, 4, तो आपने कहा 24 ले लो सर, तो मैंने कहा भाई ठीक है ले लेता हूं, है ना, क्योंकि 24 तीनों से विभाजित है, तो मैंने देखा इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई 3, इसकी इफिशियंसी आ गई 2, इसकी इफिशियंसी आ गई 6। अब मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे बोला है सी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी की इफिशियंसी अगर मेरे पास हो तो मैं कर सकता हूं अपना काम, तो मैंने देखा यार 3 और 2 5, तो ए और बी की हो गई, सी की कितनी हो जाएगी 1 होना वाजिब है, तो 24 दिन में काम हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, क्लियर हो रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, 24,000 लोग देख रहे हैं गाइस, लाइक करते रहें, बहुत मजा आने वाला है, और हमेशा की तरह एंजॉय करिए स्टडी को, मैथ्स आसान हो जाएगी ये मैं वादा कर सकता हूं, लेकिन बना आपको रहना है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन को जामा पहनाना है मेरे प्यारे भाइयों, सबका आंसर सही आना चाहिए ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूं, हाँ या ना, कम ऑन गाइस, देख लीजिए कितने कम समय में आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, आपने कहा था कि सर टाइम एंड वर्क एक दिन में हो जाएगा, मैंने कहा होगा भी और क्वेश्चन भी होंगे, तो ये प्रश्न आपके सामने आ ही चुका है, इसको करिए, चलिए कम ऑन, लाइक करते रहिए, मजा आएगा, देखिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मोटिवेशन देने वाला हूं, इसके बाद मोटिवेशन देंगे गाइस, है ना, मोटिवेशन देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, बस इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं ना आपसे, आंसर दीजिए, कम ऑन गाइस, है ना, बहुत बढ़िया, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है जी, बिल्कुल एलसीएम बता देंगे, टेंशन ना लें, क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो मैंने देखा, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आराम से समझा रहा हूं, कर सकते हो आंसर, 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है, अब ये तीनों अलग अलग इस काम को करने में कितना समय लेंगे, मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही सिंपल फंडा है, वही चीज आपको दोहरानी है बार बार जो मैंने बताई है, कि मेरे प्यारे दोस्त कि आपको कुछ ऐसा लेना है जो इन तीनों का एलसीएम हो जाए, है ना, वही आपका टोटल वर्क होगा, तो मैंने देखा कि मैं ले लेता हूं 60, मैं ले लेता हूं 60, तो 60 मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, देखो 12 से भी विभाजित है, 15 से भी है, 20 से भी है, तो अपने आप ले लिया मन से, तो आपकी इफिशियंसी क्या आ जाएगी, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60, तो ये आ गया यहां तक, ये इफिशियंसी आ गई। अब मैंने देखा कि जब मैं इन सबको जोड़ता हूं ना, जब मैं इन सबको जोड़ रहा हूं, तो देखो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है, तो मुझे इतना पता लग गया कि तीनों की जोड़ करने पर 2 कॉमन आ जाएगा भाई,
टू ए बी बी सी सी ए, ये कितना आ रहा है 5 और 4 9 और 3 12 12। इफिशियंसी है ये, इफिशियंसी है ये, ध्यान रखना। मैंने इनको तो जोड़ा है बस 12 कर दिया तो मुझे पता लग गया ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 आ चुका है। तो अब मेरे प्यारे भाइयों देखो, जिनको नहीं आया वो ध्यान से समझ ले, जिनको आ गया वो ठीक है। देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 आ गया, अच्छा कुछ समझ में आ रहा है। अब तीनों का जोड़ आपके पास है, आपके पास काम आपके पास पड़ा हुआ है, तो मैंने पूछा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की इफिशियंसी निकालो। ए की इफिशियंसी कैसे निकालोगे, इसकी कैसे निकालोगे, बी और सी का मान रख दो, तो बी और सी का मान कितना है 4 है, तो मैं 4 घटाऊंगा तो मैं ये कह सकता हूं ए बराबर आपका आ जाएगा 2। तो ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 60 काम कितने दिन में करेगा, 30 दिन में। तो 30 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, यही आंसर हो गया। और बी का निकालोगे इफिशियंसी, तो बी की इफिशियंसी बताओ क्या आ रही है, बी की इफिशियंसी बताओगे मेरे प्यारे भाइयों, तो मैं ये कह दूंगा बी की अगर मुझे निकालनी है सर तो मुझे तीनों की पता है, तो क्यों ना मैं ए और सी का मान रख दूं, ए और सी का मान 3 है, तो आप हंसते हंसते कह सकते हो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर हो गया। और सी की कैसे निकालोगे, ए और बी की रख दो, ए और बी की 5 है तो सी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सी एक काम एक दिन में कर रहा है तो 60 काम 60 दिन में करेगा, बी आपका 3 काम कर रहा है एक दिन में तो 60 काम 20 दिन में करेगा, तो ये फंडा है। अच्छा लगा, चीजें क्लियर हो गई, चलिएगा बहुत मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रूबरू होंगे, उससे पहले मोटिवेशनल क्वेट पर चल लेते हैं। चलिएगा मोटिवेशनल क्वेट आपके सामने रख रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करते रहिए मेरे प्यारे भाइयों। साधारण दिखने वाले लोग ही दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं, तो गाइज साधारण दिखने वाले लोग ही इस दुनिया के सबसे अच्छे लोग होते हैं, यही वजह है कि भगवान ऐसे बहुत से लोगों का निर्माण करते हैं। तो गाइस सीधी सी बात है कि हमारे अंदर है ना बहुत कुछ है, लेकिन समय समय पर देखिए हनुमान जी के पास भी बहुत बड़ी ताकत थी, ठीक है, और हर चीज में मतलब उनको एक बोध कराना था, हर चीज को एक एक समय आता है। अब वो समय आपका आ चुका है, अपने अंदर की ताकत को निकालिए, आप जो कर सकते हैं वो करिए, है ना, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो और नहीं कर सकता है, ये समझ लेना बस। 125 करोड़ में आप यूनिक पीस हैं, बहुरूपीय तो मैंने देखे नहीं है, खैर मूवीज में आ जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन यूनिक हैं हम, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, अब इस क्वेश्चन को जामा पहनाइए, उम्मीद करता हूं सबका आंसर आएगा, मैंने समझा दिया है, मैंने हर तरीके के क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। चलिएगा मेरे प्यारे भाइयों समय शुरू होता है अब, पहना दीजिए इस क्वेश्चन को जामा और मुस्कुराते हुए लाइक करते रहिए, कम ऑन गाइस। हाँ शायरी होगी बस, वो लास्ट में होगी प्यार वाली शायरी। हाँ चलिए मस्त मस्त रहिए, है ना, मजे से पढ़िए। डेफिनेटली लो लिविंग हाई थिंकिंग डेफिनेटली इज द राइट कंसेप्ट है ये सब कुछ, है ना, लाइफ ही कंसेप्ट है पूरा का पूरा। हाँ बिल्कुल, इतना ही लेवल है ग्रुप डी का, और ये तो मैं बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं, है ना, ध्यान रखना ग्रुप डी में बहुत ही हल्के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 36 दिन में, चलो वही काम करते रहिए जो आप करते आ रहे हो, ए और बी 30 दिन में, बी और सी 36 दिन में, सी और ए 45 दिन में, ठीक है। अब ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, कम ऑन गाइस कुछ नहीं करना, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहे मजा आएगा। देखिए आंसर सबके आ गए, यही अच्छा लगता है, ठीक है, करीबन 25,000 लोग देख रहे हैं, और अच्छा लगेगा जब आप मुस्कुराते हुए पढ़ते रहेंगे बस, है ना। अब मुझे ऐसा कोई काम करना है कि इसका एलसीएम कुछ ऐसा आ जाए जो तीनों से विभाजित हो जाए। देखो 30 भी अच्छा नंबर है, 45 भी अच्छा नंबर है, दिमाग में सोचो कि एलसीएम क्या हो सकता है, और मैं एलसीएम नहीं कहूंगा, एक ऐसा नंबर कहूंगा जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो मैंने देखा यार 18 दूनी 36, और 3 में 18 आता है, 3 18 और 45 हो जाएगा काम, तो मैं ये कह सकता हूँ 180 मान लूँ मैं, 180 आपका एलसीएम हो गया या फिर टोटल वर्क हो गया, कुछ भी कहिए, ठीक है। आपको पता लग गया कि इसमें ए प्लस बी बराबर 6 आ जाएगा, बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा 5, और सी प्लस ए बराबर कितना आ जाएगा आपका 4। तो तीनों की इफिशियंसी क्या आ गई है, 6 और 5 11 15 15 आई है, लेकिन इसमें क्या है ए ए दो बार है, तो मैं ये कह सकता हूं 2a + b + c, और यही तो पूछा गया है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे ए बी सी, तो ए बी सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 15/2, तो मैं ये कह सकता हूं 15/2।
तो 15/2 काम एक दिन में कर रहे हैं तो 180 काम कितने दिन में करेंगे? 180/15 × 2 आपका आंसर आ जाना चाहिए, 24 दिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल फंडा है। 25,000 लोग देख रहे हैं करीबन, तो गाइस लाइक करते रहे जो भी लोग जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, चलिएगा अगला क्वेश्चन, इसको पहना दीजिए जामा। अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क भी दूंगा, ध्यान रखना, बने रहो, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस करते रहो, इफिशियंसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें सब लोग। चलिए गाइस, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है और अच्छे से करिए इसको, सफाई से क्वेश्चन दिख रहा होगा। मजा आएगा, मुस्कुराते हुए रहना है ना, चले कोई टेंशन नहीं है ना। आ गया आंसर, आंसर देते रहिए। चलिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कम ऑन, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेके आ रहा हूं जिससे कि आप सीख पाए। मैंने वो बोला जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करना है। नए स्टूडेंट देख लीजिए कैसे करते हैं, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो मैंने 12 दिन यहां लिख दिया। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा करता है, तो ए भाई साहब है जो, वो अकेला इसको 20 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे, तो बस अपने पास ये कंडीशन थी तो मैंने इसको सेट कर दिया पहले, तो है ना, ये मैंने कंडीशन थी, इसको क्वेश्चन को इधर सरका देता हूं, ये मेरे पास कंडीशन थी, इसको मैंने सेट कर दिया। अब मुझे वही काम करना है जो मैं हमेशा करता आया हूं, क्या करना है, यहां तक मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर 12 दिन में काम करते हैं और ए अकेला 20 दिन में पूरा कर सकता है। मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम मैंने क्या ले लिया भैया, मैंने ले लिया 60 ले लिया। तो मैंने देखा ये 5 आ गया इफिशियंसी, ये आपकी इफिशियंसी आ गई 3, ठीक है। अब बी की इफिशियंसी क्या आ जाएगी, ए प्लस बी बराबर 5 है और ए बराबर 3 है, तो आप कह दोगे कि बी की इफिशियंसी 2 हो गई, है ना। अब आपसे बोला गया है यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मुझे ए और बी की इफिशियंसी निकालनी है। कैसे निकालूंगा, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, ए 3 है, ए तो पूरा पूरा काम कर रहा है, लेकिन बी है ना आधी इफिशियंसी से काम करे, तो 2 से काम कर रहा था लेकिन अब 1 से काम करेगा, यही बोला गया है। तो कितना काम हो रहा है, 4 काम हो रहा है पर डे, यही तो इन दोनों की इफिशियंसी हो जाएगी अगर बी आधी इफिशियंसी से काम करेगा, तो 60 काम कितने दिन में हो जाएगा, 15 दिन में। कैसे, 4 का भाग दे दीजिए, 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा, जो कि सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है, 25,000 लोग देख रहे हैं, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से लाइक की, तो बिल्कुल करिए दोस्तों, मजा आएगा, यही मोटिवेशन मेरे लिए है और आपके लिए तो प्रॉपर बनना ही रहता है। तो गाइस चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं, देखिए स्पीड भी बढ़ेगी, काम भी होगा, बस अपना काम करते जाइए, बस सब कुछ आसान हो जाएगा। ये प्रश्न आपके सामने, इस क्वेश्चन को जामा पहनाना है, आपका समय शुरू करता हूं अब और देता हूं आपको 20 सेकंड इस बार, सबका आंसर आना चाहिए, कोशिश करते रहो, हार मत मानना, बस मैंने यही कहा है, हार मत मानना। पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी इसकी वाईफाई स्टडी ऐप पर, वहां पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसकी। आंसर आ चुका है मेरे प्यारे भाइयों का, और चलते हैं इसका आंसर देते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 16 दिन में कर सकते हैं, और ए द्वारा, हाँ अच्छा क्वेश्चन है, ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन करने के बाद सी उसे 13 दिन में पूरा करे, तो ए बी सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, हमें इतना पता होना चाहिए। हाँ देखो, चीज़ें समझते जाना बहुत मज़ा आएगा, ये मैं बता देता हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मुझे, मैंने ये चीज़ पढ़ी, हमेशा याद रखना क्वेश्चन को, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करते वक्त कंसेप्ट पे जरूर ध्यान रखना,
वही सेम कंसेप्ट रहता है, दुनिया की कोई भी ताकत आपका क्वेश्चन गलत नहीं करा सकती। अब तरीके समझते जाओ कि कैसे होगा। देखो मुझे इतना पता है और आपको भी पता होगा, हाँ या ना में जवाब देते रहना, कि ए बी सी उस काम को कितने कितने दिन में कर सकते हैं। तो मतलब ए की इफिशियंसी मुझे पता होनी चाहिए, मेरे पास काम मुझे पता है, कैसे निकालूंगा, इन दोनों का एलसीएम लेना है मुझे, तो 12 और 16 कोई एक ऐसा नंबर लो जो दोनों से विभाजित हो जाए, तो आप जानते हो 48 दोनों से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो एक ए प्लस बी का मान कितना आ गया, चार आ गया, ए प्लस बी का मान चार आ गया और बी प्लस सी का मान तीन आ गया। मेरी चीजें सुनते जाना क्योंकि मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आपके कंसेप्ट को ही मतलब बिल्कुल सेट कर देगी, इसी वे में सेट कर देगी। चलिएगा एक एक चीज समझते जाना, बहुत मजा आएगा। देखो ये 48 आपका टोटल काम है, ए और बी की चार आ गई, बी और सी की तीन आ गई, ये तो क्लियर हो गया यहां तक, ये आपका टोटल काम आ चुका है। जो चीज मेरे पास कंडीशन दे रखी थी मैंने यहां इंप्लीमेंट कर दी, अपना काम कर दिया। अब आगे क्या करना है सर, वो मेरा काम है, मैं बताता हूं आपको। देखो ए द्वारा उस पर 5 दिन काम किया गया, मतलब ये जो 48 काम कर रहे हैं ना, ये भाई भाई सब मिलके 48 काम कर रहे थे, तो ए द्वारा कितना काम किया गया, 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन और सी ने उसे 13 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों एक चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहना, मैं ये कह दूं कि ए द्वारा जब 5 दिन काम किया तो बी ने 7 दिन काम किया है, तो मतलब ऐसा होता है कि एक एक काम पे तीन लोग आते हैं, ए बी सी, कंसेप्ट समझा रहा हूं ध्यान से सुनना, ए बी सी तीन लोग आते हैं एक काम पे, तो ए भी आ गया और बी भी आ गया, एक दूसरे को नहीं जानते, उसने 5 दिन काम किया और बी ने कितने दिन काम किया, 7 दिन काम किया, तो मालिक ने भाई एक ही काम पे काम कर रहे हैं, मालिक ने क्या किया, उन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ दिया। भाई दो मजदूर आ रहे हैं उसको तो मकान बनाने से मतलब है, तो वो क्या करेगा, वो ये कह देगा कि भाई ए और बी ने मिलकर 5 दिन तो काम किया है। गलत या सही, क्योंकि भाई ए ने तो 5 दिन काम किया ना, ये मैं ये कह दूंगा ए और बी ने मिलकर 5 दिन तो काम किया है ना, 48 करना है, 48 मकान बनाने हैं, 48 रोटी बनानी है, कुछ भी करना है, तो ए और बी ने 5 दिन तो साथ में काम किया है, ये बात ठीक है, क्लियर है। अब आपको बताए बी ने 7 दिन काम किया है, बी का 5 दिन का काम तो खत्म हो चुका है, 2 दिन का काम बाकी है, लेकिन सी भी तो है 13 दिन काम करने वाला, तो मैं ये कह सकता हूं ना कि भाई साहब जो आपका बी प्लस सी है उन्होंने कितने दिन काम किया है साथ में, 2 दिन काम किया, क्योंकि करने के बाद सी ने 13 दिन काम किया, क्लियर है ना। चलिए तो अब आपके सामने क्या आ चुका है, जो सी का काम है वो कितने दिन का बचा हुआ है, ये देख लीजिए आप, 11, ठीक है, सी आपका कितने दिन काम करेगा, 11 अकेला काम खत्म करने के लिए, इसको मैं 48 के बराबर कर सकता हूँ या नहीं, मेरी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे सब भाइयों को, मेरी चीजें समझते जाना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग लगा दो बस, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस क्वेश्चन को उस टर्म में बदला है, उस चीज में बदला है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मुझे समय देना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि वही समझाना है आपको, ए और बी ने 5 दिन मिलकर काम किया होगा, मजदूर है ना, उनको तो घर बनाने से मतलब है, 48 काम करना है, फिर मैंने क्या हिसाब लगाया, मैं तो मालिक हूं, मैंने हिसाब लगाया कि बी और सी ने 2 दिन काम कर लिया, फिर बी भी चला गया, सी ने फिर अकेले 11 दिन काम किया है, क्योंकि टोटल सी का कितना काम है, 13 दिन काम है ना, तो ये सारा मैनेज हो गया मेरा काम। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई, चलिएगा मैं बता दिया है, दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो मुझे पता है ए और बी की इफिशियंसी क्या है, 4 है, तो मैं यहां रख दूंगा 4, भाई ए और बी कितने काम कर रहे हैं एक दिन में, 4, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 20 काम, बी और सी की कितनी है, 3, तो मैं यहां कह दूंगा 3, 3 × 6 तो 20 और 6 26, तो 26 में जब इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 22, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 11 सी बराबर 22, तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी आपकी 2। ये बात समझ में आई या नहीं आई, घबराना नहीं है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पता है क्यों दिया गया ऐसा, कि ए और बी की इफिशियंसी को आप रख सकें, बी और सी की आप रख सकें, इसलिए इससे सी की हमारे सामने आ जाएगी, और हाँ चलिएगा चलिएगा चीजें सीधे सीधे चीजें सीखते रहे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को चैलेंज करना सीखिए, मजा आएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 4 × 5 = 20 और 3 × 2 = 6, तो 20 और 6 26 को 48 में से घटा दिया, तो 11 सी बराबर 22 हो गया, सी की इफिशियंसी निकल गई, तालियां बजा दीजिए, 2 आ गई, जब सी की 2 आ गई है, तो सी की जब 2 आ गई है तो बी की कितनी आ जाएगी, बी प्लस सी बराबर 3 है, तो बी की आ जाएगी 1, और ए की कितनी आ जाएगी, ए की आ जाएगी आपकी 3 और सी की कितनी है 2। अब अलग अलग काम निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा, ये आपकी इफिशियंसी है, काम ये है, तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की वो मत करना तौहीन, ये बहुत ही लेवल का क्वेश्चन है, पता है
ग्रुप डी में आएगा नहीं, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं। अच्छा लगे तो लाइक करते रहे, ठीक है ना। ऑप्शन में देख लीजिए, तो आपका मैं कहूंगा ए तो 16, तो हाँ ऑप्शन गलत है कोई बात नहीं, लेकिन 16 ठीक है, और ए का आ रहा है 16, बी का आ रहा है 48 और सी का आ रहा है आपका 24, तो कौन से ऑप्शन में हो सकता है? 16 48 24 16 48 24, इसमें नहीं है किसी में भी, तो टेंशन ना लें आप इस चीज की, आपका आंसर होगा 16 48 24, तो किसी को भी सेट कर सकते हैं, यहां कर लीजिए यहां कर लीजिए, कोई भी अपने हिसाब से कर लीजिए, ठीक है ना। 16 ठीक है, सी की अपनी आ रही है 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, सी की 2 आएगी तो 24 आएगा, ये क्लियर बात है। तो और ए की कितनी आ रही है मेरे पास, जब मेरे पास सी की 2 आ चुकी है तो बी की 1 है, तो बिल्कुल सही है, 16 48 24 आपका आंसर होगा, 16 48 24, क्लियर है ना। कोई बात नहीं, मैंने काट दिया है, कोई भी ऑप्शन काट लीजिए या सारे काट लीजिए, लेकिन आंसर यही होगा 16 48 24, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, पीडीएफ में, हाँ पीडीएफ में आपको इसका मिल जाएगा सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज मिल जाएगी आपको, 16 48 24 राइट आंसर। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, इसको इज्जत देना, क्वेश्चन की तौहीन नहीं पसंद है, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, अगला क्वेश्चन ये है, चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर दें सब लोग, अच्छे से समझ में आएगा और सारी चीजें क्लियर भी होंगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कंसेप्ट लगाना है इसमें, वही सेम कंसेप्ट जो पिछले क्वेश्चन में लगाया है, कम ऑन गाइस। दो काम पहले कर चुका है ना, वो दो काम पहले कर चुका है, इस वजह से होगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन कर करो, फिर मैं उसको रिपीट कर दूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को करो पहले, सेम कंसेप्ट पे आधारित है। हाँ मैंने कल क्या कहा था, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो अपने जो भाई है ना, जो सारे देख रहे हैं 25,655, वहां से भी आप डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन रॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, 5 दिन कार्य करने के बाद में बी की सहायता से शेष काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर देते रहिए, ठीक है, मैं बताऊंगा 11 कैसे आया, टेंशन ना लो, मैं वही बात बार बोल रहा हूं, टेंशन मत लो। ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, ये कहां से लिख दिया सर? मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था ना, M1D1, मतलब M और कितने दिन में कार्य हो रहा है वो ही आपका वर्क के बराबर होता है, हाँ या ना, पता है ना सबको, कंसेप्ट अच्छा है, क्वेश्चन का आंसर भी आपका 75 सही है, लेकिन चीजें सीखो भाई। मैं यही कह रहा हूं कि A की इफिशियंसी को अगर मैं 25 से गुणा कर दूं तो मेरा काम आ जाएगा, आपको भी पता है ना। A किसी कार्य को 25 दिन में करता है, M1D1, तो ये काम मेरे पास है तो मुझे पता है वही काम 5 दिन कार्य करने के बाद बी की सहायता से शेष काम को 15 दिन में करता है, तो मैं ये कह दूं कि 5 दिन कार्य करने के बाद, तो 5 दिन ए ने काम किया, ये काम है, इस काम को कैसे किया जा रहा है, 5 दिन ए ने काम किया, फिर बी भी आ गया, तो बी की सहायता से वो काम 15 दिन में पूरा का पूरा हो गया, सिंपल सी बात है, 15 दिन में पूरा का पूरा हो गया। तो देख लो मेरे प्यारे भाइयों, तो यहां से ये घटाओगे तो 20A बराबर 15A + 15B, ठीक है, यहां से फिर घट जाएगा तो 5A = 15B, यहां तक बात समझ में आ रही है, मैंने कुछ भी नहीं किया, दोनों कार्य को बराबर किया है, बस बस यही चीज है, सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बार बार यही बोल रहा हूं कि आपकी जो इफिशियंसी है और उसका दिन है वही तो काम के बराबर होता है। तो ए किसी काम को 25 दिन में करता है जब अकेला करता है तो, लेकिन क्या बोला गया है कि ए ने 5 दिन काम करने के बाद, तो मैंने यही लिखा है, ए ने 5 दिन काम करने के बाद बी भी आ गया और वो काम 15 दिन में खत्म कर दिया, तो मैंने यहां से क्या निकाल ली, उनकी इफिशियंसी का अनुपात निकाल लिया, वो कितना आ गया, 3:1, मतलब ए की इफिशियंसी 3 है, बी की इफिशियंसी 1 है, ठीक है। तो मैं ये क्या कहूंगा कि टोटल काम कितना है, A × 25, तो A की इफिशियंसी कितनी है, 3, तो 75 काम मेरे पास हो जाएगा, और B अकेला कितने दिन में करेगा, B की इफिशियंसी 1 है तो 1 का भाग दे दीजिए, 75 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं।
हाँ बहुत बढ़िया, तो बहुत ही सिंपल चीज़ें लेके चलो, बहुत ही नीट एंड क्लीन समझ में आएगा। मैं आपको इसलिए इस तरीके से समझा रहा हूँ क्योंकि जो M1 D1 वाला कंसेप्ट है उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो 75 डेज आप आंसर दे सकते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सब। अच्छा क्वेश्चन है भैया, है ना, ध्यान से करना है इन क्वेश्चंस को, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे सबको समझ में आए और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आप सीख सको। एक ग्रुप डी की बात नहीं होती है, हर चीज़ का लेवल आपको पता लगना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि समझ में आना चाहिए। पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि मज़ा आए, टाइम एंड वर्क इसी क्लास में ख़त्म हो जाए, और फिर अगली क्लास में हम क्या करेंगे वो मैं बताऊँगा आज ही, ठीक है ना। तो जुड़े रहें, कोई कहीं ना जाए। जिनको थोड़ी सी भी दिक्कत है ना, मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा मेरे प्यारे भाइयों कि वीडियो को दोबारा देख सकते हो, मैं वही कंसेप्ट से आप करके दिखाना घर पे, होमवर्क आपके सब सही हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें, मुस्कुराते हुए करते रहें ना, ये क्वेश्चन करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही आंसर आ रहा है फनी स्टोन का। देखिए, ए किसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है, ए किसी काम को 8 घंटे में समाप्त करता है, बी उसे 12 घंटे में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तो मैंने इनका एलसीएम निकाला तो कितना आया, 24 आया। एलसीएम वो संख्या होती है जो इससे भी हो जाए और इससे भी विभाजित हो जाए, तो आपने कह दिया कि 8 * 3 = 24 और 12 * 2 = 24, इसकी इफिशियंसी आ गई, इसकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। चलिए अब आगे क्या बोला गया है ये देख लीजिए जरा, कि यदि वे दोनों 1 घंटे छोड़कर 1 घंटे काम करते हैं तो आरंभ ए से किया जाए 9 बजे, तो काम कितने बजे समाप्त होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, एक एक चीज समझाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि ए 3 काम कर रहा है 1 घंटे में और बी कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, तो मैंने ये लिखा कि ए 3 काम कर रहा है, पहले ए स्टार्ट हुआ है 9 बजे, सुबह 9 बजे ए स्टार्ट हो गया, ठीक है, इसने 3 काम कर दिया। इसके बाद अगले घंटे में कौन आया, 2 आया, इसने मतलब 2 काम कर दिया, मतलब बी आया 2 काम कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 घंटे में आपका 5 काम हुआ, 2 घंटे में आपका 5 काम हुआ। यहां तक बात क्लियर है, आपको करना है 24 काम, तो मैं आपसे ये कह दूं कि 5 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 24 तक पहुंच जाए, तो आपने कह दिया कि सर 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मैंने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने देखा कि मेरा 8 घंटे में मेरा 20 काम ही हो पाया है, 8 घंटे में मेरा 20 काम हो पाया है। चलिएगा, 8 घंटे हो चुके हैं, 20 काम हो पाया है, तो 8 घंटे में 20 काम मेरा हो चुका है, ठीक है। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि अगले 2 घंटे में 5 काम ले लो, तो आप ये कह दो कि सर 5 काम तो हमारे पास है ही नहीं, 5 काम तो है ही नहीं करना, हमें तो सिर्फ 4 काम चाहिए 24 बनाने के लिए, है ना ये बात। तो आप अब क्या करोगे, दिमाग से काम लोगे, आप कहोगे कि भाई मैंने पहले ए भेजा था फिर बी भेजा, इस तरीके से मैंने 8 घंटे तक काम कर लिया, अब अगला कौन जाएगा, अगला ए ही तो जाएगा, तो अगले घंटे में ए कितना काम कर देगा, 3 काम कर देगा। बात समझ में आ रही है, तो अब आपका कितना काम हो चुका है, 23 काम हो चुका है, कितने घंटे लग चुके हैं, 9 घंटे लग चुके हैं, ठीक है, 9 घंटे में 23 काम, लेकिन 24 चाहिए, तो अब एक काम करने के लिए किसको भेजोगे, अब इसकी बारी है ना, इसकी बारी है ना, तो ये एक घंटे में 2 काम करता है, तो हमें तो 1 काम ही चाहिए, तो कितना घंटा लेगा, आधे घंटा लेगा, तो हम कह सकते हैं 9.5 घंटे लग जाएंगे आपको इस काम को पूरा करने में। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, 9.5 घंटे आपको इस काम को पूरा करने में लगेंगे। काम कितने बजे स्टार्ट हुआ है, 9 बजे स्टार्ट हुआ है सुबह में, तो 9 में 9 जोड़ोगे तो 18, और 18.5 कितना होता है रेलवे के टाइम के अनुसार, 6:30 बजे आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, धीरे धीरे समझाया है, 180 कहाँ से, एलसीएम इतना छोटा है, बिल्कुल 24 आएगा एलसीएम, क्लियर हो गया सबको, हाँ तो चीजें समझ में आ रही है ना। एक एक बाउंस नहीं करना है, जो चीजें हार गए उनको खिलाड़ी नहीं कह सकते, हारना तो बिल्कुल भी नहीं है, चीजें समझते चलो, हाँ चलिए चीजें क्लियर हो रही हैं। ए की इफिशियंसी, बी की इफिशियंसी, एलसीएम ले लिया, फिर एक एक घंटे बाद काम करना है, तो ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, तो 2 घंटे में मेरे 5 काम हो रहे थे, मुझे 24 काम करने हैं, तो मैंने क्या किया, 4 से गुणा इधर कर दिया, 4 से गुणा इधर कर दिया, 8 घंटे में 20 काम हो गए,
8 घंटे में 20 काम हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 20 काम तो मेरे हो चुके हैं, अब मुझे 4 काम और चाहिए। फिर आप क्या कहोगे कि यार मैं दोनों को एक साथ भेजता हूँ 2 घंटे में, तो ना इंसाफी है। क्यों? क्योंकि यार मतलब नहीं है ना, 25 हो जाएगा, हमें तो 24 काम चाहिए। तो फिर मैंने ए को भेजा, तो मैंने 1 घंटे काम करने के लिए ए को भेजा, तो 23 काम करके ए आ गया। फिर इसने बोला, ए ने आके बोला कि सर 1 काम और बच रहा है, 24 करना है। तो मैंने कहा भाई बी जा और आधे घंटे काम करके आ जा, क्योंकि तू 1 घंटे में 2 काम करता है, आधे घंटे में 1 काम करके आ जा। तो टोटल 9.5 घंटे का समय लगा, तो 9.5 घंटे ऐड कर दिया बस, ठीक है गाइज, चलेगा। तो दोबारा समझा दिया है, डोंट वरी अबाउट इट। ये आपको क्वेश्चन करना है होमवर्क में, मैं अब आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। होमवर्क के क्वेश्चन नोट करते जाएं और कमेंट बॉक्स में आंसर भी जरूर करना है। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी वाईफाई स्टडी ऐप पर। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तो गाइज होमवर्क नोट करते जाएं, ये एक प्रश्न आपका होमवर्क का है। चलिए जल्दी से, और अच्छा लग रहा है लाइक करते रहना, मजा आएगा गाइस, सारे चैप्टर्स क्लियर करेंगे। और देख लीजिए टाइम एंड वर्क 1 दिन में कंप्लीट कराया है, और अच्छे से अच्छा लेवल, इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए तो गारंटी है होमवर्क में मैं वो क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको सिखाऊंगा कल भी, क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन होमवर्क का हो गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है जो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क में करना है। ये कुछ नहीं है, ये माइनस नहीं है, याद रखना है ना, ये माइनस नहीं है, ये है 3 सही 7/15, 5 सही 7/15, ये माइनस नहीं है, ये भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको करना है, कल करवाएंगे, ठीक है। चलिए अगला, हाँ अगला ये क्वेश्चन है आपका, ये महिला पुरुष वाला, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखते जाना और करते जाना इनको। इसके बाद ये क्वेश्चन, और इसके बाद ये क्वेश्चन, तो इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क में करेंगे, जिससे कि आप जिसने चैप्टर पढ़ा है दिल से समझ में आया है तो वो इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकता है। यही मैं आपसे कहूंगा कि चीजें आपको बहुत ही आसान करनी है। लीजिए आंसर भी आप दे रहे हो, अच्छी बात है कि आप चीजें समझ रहे हो, कर रहे हो, क्लियर, ठीक है। चलिए क्लियर हो गई, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं वाईफाई स्टडी ऐप पे, रेलवे सेक्शन पे जाएंगे और वहां पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल का टॉपिक क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, कल का टॉपिक सुन लीजिए, कल आप पढ़ेंगे, टेस्ट ले लिया जाए कल आपका, बताइए कल टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो कल आपका टेस्ट लेते हैं, और जिसमें आपके टेस्ट तो क्या है, आपको ऑल टाइप क्वेश्चन में कराऊंगा, हाँ ऑल टाइप क्वेश्चन कराते हैं। चलिए कल टेस्ट नहीं लेते हैं, कल आपका कर लेते हैं बोर्ड मास इसके क्वेश्चन, और डेसीमल एंड फ्रैक्शन, और आपका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर। तो चलो ये 2 कर लेते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाए। तो कल का आपका टॉपिक है, तो जल्दी से खुश हो जाइए क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चंस लेके आने वाला हूं, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, बार बार बोल रहा हूं। कल हम पढ़ने वाले हैं बोर्ड मॉस और डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो गाइज खुश है ना, अब बताइए क्लास कैसी लगी, चलिए है ना। तो टेस्ट नहीं, बोर्ड मॉस करवाने वाला हूं, इसी में आपके क्वेश्चन, आपको टाइमर तो है ही, टेस्ट की तरह ही करना है, ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, आपको समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अब मुझे बताइए गाइस क्लास कैसी लगी, और मजा आया नहीं आया, हाँ मजा आया। तो गाइस जो भी लोग हैं जो अभी तक जुड़े हुए हैं, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर सकते हैं, ऑब्वियसली बात है 24,000 लोग देख रहे हैं, वीडियो खत्म होगा तब लाइक करेंगे, तो इससे अच्छा तो अभी कर दीजिए मेरे सामने जिससे कि मैं आपको देख पाऊँ, ठीक है ना। तो बहुत मजा आएगा कल के सेशन में भी, कंटिन्यू रहना, बार बार बोल रहा हूं, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, जो आपके भाई है ना 24,000 लोग उन्हीं में से आपको सही आंसर मिलेंगे, क्योंकि बहुतों ने सही आंसर भी दिए हैं ना, हम एक कम्युनिटी की तरह काम करने वाले हैं, क्लियर है ना। और रही बात, आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास होती है 11 बजे, डेली एंजॉय करिए क्लास को, मैथ्स है ना एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस कंटिन्यू बने रहिए। जितनी फिक्र आपको अपने सिलेक्शन की है उतनी फिक्र मुझे भी आपके सिलेक्शन की है, बस ये भरोसा आप रखिएगा, और अगर भरोसा रखोगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, मजा आएगा कल, टाइम एंड वक्त बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, फिर डेसिमल फ्रैक्शन और बोर्ड मॉस भी कर लेंगे, क्लियर है ना। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, और अपने सिलेक्शन के लिए मेहनत करते रहिए हर दिन हर पल। तो गाइस चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं कल, चलिएगा।